तो मैं कहीं ना कहीं इसका फ्रंट वाला लुक देख कर मैं हैरान हो गया थोड़ा। ओके, तीन बार ब्लिंक करेगा आपका गाड़ी चाबी से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो आपका गाड़ी यहाँ से हो गया स्टार्ट। पीछे का जो लुक है ये कर दिया आपका किया कैरेंस जैसा। इंटीरियर तो भाई बहुत कमाल का है। एंड ना सबसे अच्छा बात है कि इसमें आपका आ गया पैनोरामिक सनरूफ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा भाई प्रीमियम फील हो रहा है, एक उंगली से घूम जाएगा इतना लाइट स्टीयरिंग होता है किया का। तो एक नया मोड किया है जो कि भाई बहुत प्रीमियम फील देता है आपको। अभी आप लोग सोचोगे कि भाई इसमें लॉक अनलॉक तो है ही नहीं, हम लोग लॉक अनलॉक आखिरकार कहां से करेंगे। सबसे मेन बात तो भाई वही है कि किया सेल्टोस में आ चुका है इधर पैनोरामिक सनरूफ। तो यहाँ पे गाइस आप लोग चेक कर सकते हो कि ऑल न्यू किया सेल्टोस हम लोग का सामने है। एंड अभी मार्केट में ये गाड़ी का जो क्रेज चल रहा है ये कुछ अलग लेवल का है, बिकॉज नया ये सेल्टोस का आ चुका है नया मॉडल। प्रीवियस मॉडल तो आप लोग देखे ही होंगे, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा सेल भी हुआ है, हर जगह आपको सेल्टोस दिखता ही दिखता है। लेकिन अभी सेल्टोस का आ गया है न्यू मॉडल, एंड न्यू मॉडल हम लोग के पास है ऊपर से नया मॉडल प्लस नया कलर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये वाला नया सेल्टोस कैसा है एंड ये नया कलर के साथ कैसा लग रहा है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फ्रंट लुक से। नहीं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका चाबी। तो देख सकते हो गाइस ऐसा कुछ चाबी आ गया किया का, जो कि चाबी भी पूरा चेंज कर दिया भाई। तो पूरा एकदम नया चाबी आ गया, आप लोग ये चेक कर सकते हो। लेकिन अभी आप लोग सोचोगे कि भाई इसमें लॉक अनलॉक तो है ही नहीं, हम लोग लॉक अनलॉक आखिरकार कहाँ से करेंगे। तो इसका आपको साइड में मिल जाएगा लॉक अनलॉक का बटन, ये देख सकते हो, यहाँ से होगा अनलॉक, ये रहा, एंड यहाँ हो जाएगा लॉक, ये देखो अनलॉक कर लेते हैं हम लोग। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला सेल्टोस दिखने में कैसा। तो आप लोग फ्रंट लुक तो आप लोग देख ही रहे हो, फ्रंट लुक कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका इंडिकेटर, इसका हैजार्ड लाइट आप बोल सकते हो, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आपका दिया हुआ है। यहाँ पर है आपका DRL, जो कि DRL पूरा जब जलता है यहाँ से लेकर पूरा आपका यहाँ तक जलता है, जो खतरनाक लगता है एकदम दिखने में। एंड ये आपका हेडलाइट वाला यूनिट है, एक जलेगा लो बीम में एंड दो जलेगा आपका हाई बीम में, ऐसा कुछ सेटअप दिया हुआ है। एंड आपको ये वाला पूरा गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रंट कैमरा का भाई प्लेसमेंट किया हुआ है, अभी देख सकते हो। एंड ये इसका कुछ फ्रंट ग्रिल जो कि पूरा एग्रेसिव टाइप का एकदम लग रहा है, खतरनाक फ्रंट ग्रिल लग रहा है भाई। कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं इसका फ्रंट वाला लुक देख कर मैं हैरान हो गया थोड़ा। फ्रंट से आपको लगभग आप अगर इधर से देखोगे साइड एंगल से तो आपको पुराना सेल्टोस जैसा लगेगा, बट आप जब सामने से देखोगे देन जाकर के आपको पूरा समझ में आएगा कि भाई ये ऑल न्यू सेल्टोस है, बिकॉज इसका पूरा ग्रिल चेंज कर दिया, जो टाइगर नोज ग्रिल जिसको हम लोग बोलते हैं ये पूरा ग्रिल चेंज कर दिया। यहाँ पर मिल जाता किया का लोगो। एंड सबसे बढ़िया बात है कि अभी सेल्टोस में आ चुका है एडास, मतलब एडास 2.0, मतलब अपग्रेडेड वर्जन आ गया पूरा। एंड अगर आप लोग का नॉइज आ रहा है इसके लिए सॉरी, बिकॉज ट्रक वर्क चल रहा है पूरा नॉइज के लिए, बैकग्राउंड नॉइज सॉरी। तो आप बैकग्राउंड नॉइज का ध्यान मत दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए गाड़ी का, क्या कमाल गाड़ी है। अभी आ जाओ सर, वीडियो फोन दे दो। एंड अभी मैं आप लोग को चेक कराता हूँ गाइस इसका साइड लुक। साइड लुक अगर आप देखोगे, साइड लुक आपका पहले सेल्टोस जो पुराना सेल्टोस है वैसा ही टाइप का आपको पूरा दिखेगा। एलॉय भी मतलब सेम वैसा ही है। उधर देखो आपका ओल्ड वाला सेल्टोस है, इधर आपका न्यू वाला सेल्टोस। साइड लुक पूरा आपको सेम टू सेम वैसा ही मिलेगा, ORVM भी सेम वैसा ही है, पूरा सब कुछ सेम टू सेम वैसा ही है। लेकिन अगर आप पीछे चले जाओगे, पीछे का लुक इसका कर दिया है चेंज। पीछे का लुक अभी आप चेक कर सकते हो, पीछे का जो लुक है ये कर दिया आपका किया कैरेंस जैसा। आप इधर कैरेंस रखा हुआ है, तो कैरेंस का जो पीछे का लुक है ये वाला गाड़ी का वैसा लुक कर दिया। मतलब मुझे कहीं ना कहीं इसका पहले वाला पीछे का लुक ज़्यादा अच्छा लगता था। आप उधर चेक करो, ये ओल्ड सेल्टोस है, इसका पीछे का लुक ऐसा है, न्यू सेल्टोस का पीछे का लुक ऐसा कर दिया। पूरा कनेक्टिंग टेल लाइट है आपका यहाँ पे, लेकिन जलता आपका बस यहीं तक, पूरा आपका नहीं जलता, यहाँ तक जलता आई थिंक। एंड ये वाला जगह आपका नहीं जलता, लेकिन पूरा कनेक्टिंग टाइप का कर दिया। अभी ये वाला जो लुक है ये आपका हर गाड़ी का ऐसा टाइप का आपका लुक कर रहा है, मतलब हर गाड़ी का पूरा कनेक्टिंग टाइप का है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है इसका टर्न इंडिकेटर, ये पूरा LED सेटअप में दिया हुआ है एकदम, जो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। लेकिन मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे ओल्ड सेल्टोस का टेल लाइट थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है इसके कंपेरिजन में। आप लोग को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बोलिएगा। लेकिन सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, किसी को ये अच्छा लग भी सकता है, किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है। लेकिन हाँ भाई ठीक लग रहा है, उतना भी का ख़राब नहीं लग रहा, कैरेंस टाइप का लग रहा है, लेकिन हाँ अच्छा है। वो सबका अलग अलग चॉइस होता है, अलग अलग ओपिनियन होता है। एंड साइड लुक अगर आप देखोगे साइड लुक वैसा ही है। बाकी जैसा कि मैं आपको बोला कि 360 डिग्री कैमरा आता है, तो आगे में तो एक कैमरा है ही है जो कि मैं आपको दिखाया। देन आपको और एक कैमरा देखने को मिल जाता है इधर, ऐसा जगह पे आपको एक कैमरा मिलता है, ये रहा, इधर आपको कैमरा मिलता है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे आपको और एक कैमरा देखने को मिल जाता है ये जगह पर,
एक हो गया, देन आपको ORVM में इधर भी कैमरा मिलता है, उधर भी कैमरा मिलता है, मतलब आपको हर तरफ का व्यू मिलेगा, आपका गाड़ी डूबने का भी चांस ही नहीं है। सेफ्टी फीचर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है इस बार किया ने। एंड ये वाला नया कलर आया है सेल्टॉस का, जो कि आपका ग्रीन कलर में है, मतलब जो आपका सी ग्रीन टाइप का होता है वैसा कलर में है, जो कि अगर आप अपना आँख से देखोगे, आकर शोरूम में देखोगे, देन जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज नया कलर है एंड कुछ यूनिक टाइप का कुछ किया ने लॉन्च किया है। इंटीरियर तो भाई बहुत कमाल का है, एंड ना सबसे अच्छा बात है कि इसमें आपका आ गया पैनारोमिक सनरूफ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन कलर भाई मुझे देख के तो एकदम मन आ गया। मेरे पापा को स्पेशली ये कलर बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये आपका मिलिट्री कलर हो जा रहा है, थोड़ा आर्मी टाइप का वैसा कलर हो जा रहा है, तो मेरे पापा का तो ये वाला कलर बहुत अच्छा लगने वाला है। बाकी यहाँ ऐसे में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं इंटीरियर का, सबसे पहले गेट का हम लोग बात करते हैं। तो गेट लगभग पहले का सेल्टॉस जैसा आता था वैसा टाइप का है पूरा, यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाता है, ये वाला ड्राइवर साइड आपका वन टाइम टच अप एंड डाउन है ऐसा कुछ, इसका गेट का पैनल है, बोस का स्पीकर मिलता है, मतलब खतरनाक बेस आपको पूरा फील होगा। तभी हम लोग बैठते हैं अंदर, गेट को इधर लगाते हैं हम लोग। व्हाट इज द ऑन रोड प्राइस ब्रो? सब कुछ बताएंगे, प्राइस आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। पहले हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चलो पार्किंग में है, यहाँ से हम लोग पुश स्टार्ट बटन को हम लोग ये करके गाड़ी को करते हैं हम लोग स्टार्ट। Okay, ये हो गया इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्या ही मस्त लग रहा है भाई, बहुत खतरनाक। आप ये चेक करो इसका कुछ XUV700 टाइप का आपका पूरा कर दिया, मतलब एक ही फ्रेम में आपका पूरा है, म्यूजिक सिस्टम भी है यहाँ, आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पूरा आपका एक किया हुआ है, आप देख सकते हो ऐसा कुछ है। एंड बहुत ज्यादा भाई प्रीमियम फील हो रहा है, पता नहीं कैमरा में कैसा लग रहा है, बट इन रियल जब आप अपना आंखों से देखोगे बहुत आपका मतलब लग्जरी टाइप का आपका फील होगा। ये वाला स्टेयरिंग व्हील भी छोटा सा है एकदम, एंड एक हाथ से घूम जाता है, जो कि मुझे किया का सबसे अच्छा लगता है, एक उंगली से भी घूम जाएगा, देखो मैं एक हाथ क्या बोल रहा हूँ, एक उंगली से घूम जाएगा, इतना लाइट स्टीयरिंग होता है किया का, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे बाकी सब कंपनी से अगर आप कंपेयर करोगे। एंड यहाँ पे इसका आपको मिल जाता है इसका म्यूजिक सिस्टम, ये देखो, जो कि कुछ ऐसा टाइप का है। एंड इंटीरियर आपके, अगर मैं इंटीरियर का बात करूं, तो ये वाला जो एसी वेंट है इधर का एंड उधर का, तो पहले का सेल्टॉस में वैसा आता था वैसा टाइप का है, लेकिन इधर मिडिल का आपका चेंज कर दिया, मिडिल का ये चेंज किया है। देन आपका जो आप टच स्क्रीन डिस्प्ले देख रहे हो, टच स्क्रीन डिस्प्ले चेंज किया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को चेंज कर दिया है, देन एसी का कंट्रोल चेंज किया है। अब यहाँ पे एक बहुत कमाल का चीज कर दिया है कि आपका मतलब दो तरह का, दो साइड का एसी का टेम्परेचर आप अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। सोचो कि ड्राइवर को अगर ठंड लग रहा है, देन इसको आप यहाँ से टेम्परेचर का यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो। ये देखो मैं कर दिया यहाँ से, और इसका क्यों हो रहा है साथ में है, हाँ ये देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ अपना, मतलब इधर का हो गया आपका 23°C। एंड अगर मेरा को पैसेंजर जो है इसको अगर लग रहा है गर्मी, तो यहाँ से इसको कम भी कर सकता है। ये देखो मतलब यहाँ का अलग हवा आएगा, यहाँ का अलग हवा आएगा, तो एक नया मोड किया है, जो कि भाई बहुत प्रीमियम फील देता है आपको। यहाँ पे आपको हैजार्ड का बटन देखने को मिल जाता है, ये देखो ये आपका हैजार्ड का बटन है, यहाँ से हैजार्ड ऑफ हो गया। तो यहाँ पे आपका है IRVM, ये चेक करो IRVM है यहाँ पे आपका, जो आपका ऑटोमेटिक है, डे नाइट ऑटोमेटिक है। बाकी और जो मुझे सबसे अच्छा लगा, ये आपका ऑल ब्लैक इंटीरियर है, आप इसका ऊपर में चेक करो, ये पूरा ऑल ब्लैक है, पैनोरामिक सनरूफ। सबसे मेन बात तो भाई वही है कि किया सेल्टॉस में आ चुका है इधर पैनोरामिक सनरूफ, मेजर अपग्रेड। ओपन करना है? Yes. चलो आप ही ओपन करो, आपका हाथ से ओपन करना है, नहीं आता फर्स्ट में पोपट कर दिया, ये बार जो है इसको खाली एक बार खाली प्रेस करना होगा, बस खुल जाएगा। ओहो अभी ये खुल जाएगा, एंड अभी आप लोग चेक करो इसका व्यू, अब आप आराम से आप यहाँ से निकल सकते हो। ये देखो ये पूरा पैनोरामिक सनरूफ है, ये थोड़ा और पीछे जाएगा सर, नहीं इतना जाता है, एंड आप यहाँ से चेक करो, यहाँ से कुछ ऐसा कुछ व्यू मिलेगा गाइस। यहाँ पे देखो यार गाड़ी का पूरा व्यू है, खतरनाक व्यू, बहुत मस्त एकदम। एंड अगर मैं आपको ऐसा करके दिखाऊं, तो आप ये चेक करो पैनोरामिक सनरूफ इधर है, मतलब जो पीछे बैठेगा वो लोग पूरा आराम से एकदम व्यू ले सकता है। एंड अगर बंद करना हो बस वन टच में आपका पूरा बंद ऐसा नहीं होगा। एंड भाई बहुत कुछ बाकी है, ये तो बस शुरुआत है भाई, बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है, एक्साइटेड हो देखने के लिए? नाइस नाइस नाइस। यहाँ पे आपको आगे बोल रहे गाड़ी करने के लिए, आगे बोल रहा चल आगे कर देता है, ड्राइव मोड में हम लोग कर लिए। हाँ इधर लाइट मिलता है, ये आपका पूरा एम्बियंस लाइट यहाँ पर दिया हुआ है, अभी आप देख सकते हो पूरा एम्बियंस, मतलब रात के टाइम पूरा खतरनाक एकदम फील आ गया, वाला गाड़ी चला ले मजा आ जाएगा भाई। Yes. ले लो ले लो, ये ले लो तुम, ले लो रुपए का बताओ सब आपको आपको स्क्रीन पर दिखाएगा प्राइस है। बाकी पूरा लाइट आपको यहाँ पर भी शायद मिलता है, हाँ इधर स्पीकर में इधर लाइट दिया हुआ है, देखो अच्छा है, पावर विंडो इसका अच्छा है भाई, वो तो मिलेगा ही अच्छा। बाकी ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, इधर है आपका आर्म रेस्ट एंड यहाँ पर डिसेंट एंड स्पीस भी दिया हुआ है। यहाँ पर भाई कप होल्डर इधर होता है भाई, यहाँ पे होता है कप होल्डर हेक्टर का, तो ये हेक्टर नहीं है, ये किया है, चुप रहो। एंड यहाँ पे गाइस दिया हुआ है इसका कप होल्डर, आप लोग ये चेक करो, इसको हटा भी सकते हो, यहाँ पे कुछ बड़ा सामान भी आप रख सकते हो, तो हम लोग फिलहाल इसको लगा देते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात है कि आप इसको हाइड भी कर सकते हो, ये देखो ये कमाल का। वेयर इज द हैंड ब्रेक? मैं नहीं बताऊंगा। सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इसमें हैंड ब्रेक कहाँ है, तो इसमें आपको हैंड ब्रेक देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो हैंड ब्रेक का जगह था वो हट खटा करके अभी ये कर दिया, जो कि ये भी प्रीमियम फील देता है। अभी देखो पार्किंग में इसलिए नहीं होगा,
प्रेस द ब्रेक पैडल टू रिलीज द पार्किंग ब्रेक। तो हम लोग कोई पार्किंग नहीं हटाना, हैंड ब्रेक रहने देते हैं हम लोग। बाकी इधर बाकी इधर आपका आर्मरेस्ट मिलता है, मैं तो आपको दिखाई दिया। एंड आपका जो ड्राइविंग सीट है, तो आप ये चेक करो, यहाँ से हम इसको आगे पीछे ऊपर नीचे हम सब कुछ कर सकते हैं। इसको ऊपर, इसको नीचे, ये देखो नीचे हो जाएगा, ये डाउन हो रहा है ना, इसको हम डाउन कर सकते हैं, यहाँ से अप हो रहा है। अब इसको सीट को आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है इसमें। तो तुम्हारा कैसा है उधर का? रिक्लाइनर हो जाता है हम, तुम्हारा नॉर्मल दिया हुआ, इसमें नॉर्मल है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिकली दिया हुआ। ये हर गाड़ी का वैसा ही रहता है। ड्राइवर को वीआईपी से, हाँ ड्राइवर थोड़ा वीआईपी है, वो मैं ऐसे भी तुमसे ज़्यादा वीआईपी। जब गाड़ी को ड्राइव करोगे एंड अगर स्टोरी बनाओगे इंस्टा के लिए, तो कुछ ऐसा कुछ फील आएगा। आप देख सकते हो स्टेयरिंग को पकड़ के तुम गेड़ी मार के गड्डियाँ ऊँचियाँ रखियाँ, कुछ अलग ही पूरा फील आएगा, मज़ा आता है। बाकी नहीं भाई, मैं आपको ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा बनाया है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बोलूँ तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है नया वाला सेल्टोस। आप लोग का कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। यहाँ पे आपको 360 डिग्री का कैमरा का आपको सब कुछ यहाँ पे दिखेगा कि आपका आसपास क्या है गाड़ी का सब कुछ। मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ एक सेकंड। अच्छा, इसको पहले पार्किंग में लगाना पड़ेगा, अब जब गाड़ी स्टार्ट होगा अपना। गाड़ी हो चुका है स्टार्ट, एंड कितना साइलेंट है भाई, बहुत साइलेंट है। इसको हम लोग कर दिए ड्राइव मोड पे। एंड अब आप देखो, आपको यहाँ पे बैक कैमरा का आपको व्यू दिख रहा है, बैक कैमरा भी भाई क्लियर है। प्लस यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का आपको सब कुछ दिख रहा है कि आपका आसपास क्या है। एंड मैं अगर स्टीयरिंग को मोड़ूंगा तो ये पूरा आपका चेंज होगा। ये देखो, तभी हम चलते हैं गाड़ी का पीछे एक बार, देखते हैं पीछे का कंफर्ट कैसा है, देन जा करके हम लोग वीडियो को भी एंड कर देंगे, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। चलो अब चलते हैं हम लोग पीछे में। एंड भाई मुझे तो बहुत तगड़ा लग रहा है भाई ये वाला गाड़ी। चलो भाई हम लोग बैठते हैं इसका पीछे का सीट पे। एंड हाँ, सामने वाला सीट पूरा पीछे किया हुआ, बिकॉज मैं इसको पूरा पीछे कर दिया था। एंड ये बैठा हूँ फिर भी मतलब भाई कंफर्टेबल है। मैं सीट वाला पूरा पीछे है, इसका थोड़ा आगे मैं आपको इधर बैठ कर दिखाता हूँ, नॉर्मल जैसा होता है। तो अगर मैं ऐसा करके बैठूंगा फिर भी मुझे लेग स्पेस मिल रहा है। आप ये चेक करो, कंफर्ट बैठा है तुम एकदम? Yes. कंफर्टेबल है ना? Yes. तुम्हारा हाइट किया है 6 फीट ना? Yes. तुम्हारा 6 फीट हाइट है, तो 6 फीट हाइट कैसे एडजस्ट किया है। एंड तब पीछे देखो, इतना आपको लेग रूम देखने को मिलेगा, मतलब आप समझ लो कितना स्पेसियस गाड़ी है भाई, स्पेस तो पूरा है। एंड रियल में आपको इधर एसी वेंट भी देखने को मिलता है। एंड सबसे अच्छा बात यहाँ पे आपको दो मिलता है, एक तो आपको यहाँ पे स्मार्ट एयर प्यूरीफायर मिल जाता है, मतलब आपको पूरा प्योर हवा आएगा, कोई जम्स वगैरह नहीं आएगा। वायरस प्रोटेक्शन के साथ आपको यहाँ मिलता है, तो प्योर ऑक्सीजन आपको यहाँ मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको दो टाइप सी चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो चार्जिंग का पूरा ख्याल रखा हुआ है, बिकॉज हम लोग इंडियन से हैं, इंडियन हर टाइम फोन में घुसा हुआ रहता है, फोन लैपटॉप। तो आप गाड़ी में ट्रैवल करो आराम से, अगर फोन में का चार्ज खत्म हो रहा है तो बिंदास चार्ज भी कर लो। तो ये एक बढ़िया चीज़ लगा मुझे, बाकी कंफर्टेबल तो है भाई। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 3 हेडरेस्ट दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट का भी ऑप्शन है यहाँ पर। तो कंफर्ट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये गाड़ी अगर आप लेते हैं, कंफर्टेबल जगह सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाकी ऐसा कुछ फील लगा इस ऑल न्यू किया सेल्टोस का, मुझे तो भाई पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये वाला गाड़ी। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बोलिएगा। आई होप कि आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो को भी लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल पर नया तो उसको सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। एंड इसमें और एक अच्छा चीज़ है जो कि होता है, आपका चाबी से आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए हमको करना पड़ेगा गाड़ी को यहाँ से लॉक। एंड ये वाला जो आप होल्ड बटन है इसको हमको प्रेस करना पड़ेगा, अभी आप देखना ठीक है। अगर वह 3 बार ब्लिंक करेगा आपका गाड़ी चाबी से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो आपका गाड़ी यहाँ से हो गया स्टार्ट, एंड आपका उधर एसी भी ऑन हो जाएगा, मतलब आप चाबी से गाड़ी स्टार्ट कर लो, आप जब गाड़ी के अंदर जाओगे पूरा ठंडा ठंडा कूल कूल आपको गाड़ी मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा फीचर है। एंड गाड़ी अगर ऑफ करना हो ये वाला सिंपली प्रेस कर देना, एक बार आपका गाड़ी यहाँ से ऑफ ही हो गया, तो बहुत बढ़िया फीचर है। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा। अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिएगा गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलता है आज का ब्लॉग को, बस इवेंट करते हैं। सो बाय बाय फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो सो बाय।